नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम रियल फैक्ट्स को जानने के लिए, क्या रियली में बाबा राम रहीम जी ने सोसाइटी के लिए वर्क किए हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट जान रहे हैं लोगों से डायरेक्ट बात करके। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। सोसाइटी के लिए बाबा राम रहीम जी ने क्या वर्क किए? सोसाइटी के लिए गुरु जी ने बहुत मोटिवेट करा है सोसाइटी को पूरी, जैसे मानवता भलाई के कार्य किए हैं बहुत सारे, जो कुछ मतलब लड़कियों के लिए जो लोग पैदा नहीं करना चाहते उनको मोटिवेट करा है कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, उन्हें भी इक्वल का मतलब इक्वालिटी मिलनी चाहिए पढ़ाई में भी और हर एक चीज़ में। और कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो आज तक सरकार ने नहीं करे, उनके बाद सरकार ने शुरू करे हैं। बहुत मतलब चीज़ें ऐसी करी है जिससे मतलब लोगों को, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट वो हुए हैं, हम खुद हुए हैं और हम खुद चाहते हैं कि और लोग भी हों, ये सारी चीज़ें करी हैं। यू आर द यंग गर्ल, आप भी फॉलो करते हो बाबा राम रहीम? हाँ जी। कितने टाइम से करते हो? 13 ईयर्स। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन। ओके, मतलब वेल एजुकेटेड लगते हो। व्हाई यू फॉलोइंग बाबा जी? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए इतना सब कुछ किया है, हम बचपन से यहाँ पर आए हैं और अब तक आ रहे हैं और अब आगे भी आना चाहते हैं। यहाँ पे जब भी आए हैं हमें कुछ अच्छा ही मिला है, कुछ मतलब कुछ बुराई नहीं मिली। हम खुद चाहते हैं कि ऐसा समाज, पूरी दुनिया हो ऐसी, खुद चाहते हैं। तो मतलब कुछ लोग हैं जो उनके बारे में गलत सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो गलत ना कहें, यहाँ पर आके देखें तो कि कैसा है समाज, यहाँ पे वो क्या सिखाते हैं वो देखना चाहिए उनको, उसके बाद वो कुछ बोल सकते हैं किसी को कि क्या है और क्या सच नहीं है। आप आज भी फॉलो कर रहे हो, स्टिल यू बिलीव इन बाबा जी, हाउ मच यू बिलीव? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम आते हैं सारी बुराइयों को छोड़ने के लिए हमें सिखाया जाता है। आज तक मतलब किसी चीज़ के लिए ये नहीं बोला गया कि तुम ये करो, मतलब गलत काम करो, ये करो। हमेशा जैसे यंग लोग हैं वो मतलब ड्रग्स वगैरह इन सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं, कुछ भी मूवीज़ आती है सब चीज़ों में यही सब दिखाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जब भी आते हैं हमें ड्रग्स वगैरह, नशे से दूर रहने को सिखाया जाता है, सारी मतलब बुराइयों से दूर रहने को सिखाया जाता है। इसलिए हम मतलब हमें यहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हम किस लेवल तक जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों में पढ़ के सिर्फ हमारी लाइफ ख़राब होती है और कुछ नहीं होता, इस वजह से बस कि हाँ हमें। Okay, तो लोग जो कहते हैं, जहाँ दुनिया ने जो देखा है डेरा सचा सौदा को, न्यूज़ चैनलों के द्वारा देखा है, जहाँ उन्होंने जो जाना है, उनको आप क्या जवाब दोगी? आप यंग हो, वेल एजुकेटेड हो, आज भी आप फॉलो करते हो उनको? उनको मैं ये जवाब दूंगी कि मतलब यहाँ पे आके उन पहले यहाँ के लोगों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और इतनी सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे, कोई भी अच्छाई को नहीं दिखाता, सारे अच्छाई छुपाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आके पहले आप देखें कि क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या सिखाया जाता है, उसके बाद आप करें जो आपको सोचना है वो सोचें, लेकिन पहले यहाँ आके आप देखें सारी चीज़ें, उसके बाद ही करें जो भी करना है। और आज सोसाइटी को कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, क्योंकि अब वो नहीं है तो हमें पता लग रहा है कि मतलब कुछ जो करने वाले हैं, लोग हैं जिन्हें पता है कि कौन से कार्य करने चाहिए, अच्छे नहीं करने चाहिए, वो तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो तो आज भी उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा समाज, अभी तो आधा ही है ना, तो मतलब चाहते हैं कि पूरा समाज जुड़े यहाँ से और फिर सारी चीज़ें पता लगे कि वो भी अच्छे कार्य करें, कोई बुरा ना रहे, बस इसलिए।